व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली फूड्स विद जेब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं अपने किचन में वेट लॉस रेसिपी, जो बहुत ज़बरदस्त आपको वेट लॉस करने में मदद देगी और आपको भूख का एहसास भी नहीं होगा अगर आप ये खाएंगे तो। तो चलिए हम चलते हैं। हम बना रहे हैं चिकन टिक्का और इसमें आप सिर्फ 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और आपकी जो क्रेविंग है चिकन की और मीट की वो भी पूरी हो जाएगी और आपको बिल्कुल भी कैलोरीज आपकी जो हैं वो बढ़ेंगी नहीं। तो हम बताते हैं कि हम इसमें क्या क्या डाल रहे हैं। इसमें हम ले रहे हैं 1/2 किलो चिकन, ये बोन के साथ है, और अगर आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। और मैं इसमें लूँगी ये दही, तकरीबन ये मैंने 3 टेबल स्पून भर के लिया है, और इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के, हाफ टी स्पून मैंने चाट मसाला लिया है और 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है। आपको थोड़े से ही मसालों के साथ बहुत ज़्यादा टेस्ट भी लगेगा और इफ़ेक्टिव भी होगा। इसमें 1 टीस्पून नमक ले रही हूँ मैं, और ये 1 टीस्पून मैंने पिसी हुई मिर्चें ली हैं और 1/2 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं। बस दो, यानी इन्हीं चीज़ों से हम बहुत अच्छा सा मसाला बनाएंगे। थोड़ा सा टेस्ट के लिए मैं इसमें 2 से 3 टेबल स्पून सोया सॉस डालूंगी। कलर के लिए हम डाल रहे हैं बहुत ही हाफ से भी कम 1/4 टीस्पून फूड कलर है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। चलें इसको अच्छा सा विस्क से मिक्स करेंगे। चलें देखें, हमने मिक्स कर लिया है सारा, और अब ये जो हमने 1/2 केजी चिकन ली है वो इसके अंदर डालेंगे और तकरीबन 2 घंटे तक अगर आप चाहें तो मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ़ौरन बनाना चाहते हैं तब भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आप फ़ौरन भी इसको बना सकते हैं। चलिए देखें, बहुत अच्छा सा मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून ऑयल, मैंने बहुत भर के नहीं लिया है क्योंकि अभी हम जब पैन रखेंगे तो उसमें भी थोड़ा सा डालेंगे, बस ये इसलिए डाल रही हूँ ताकि हमारे मसाले की जो खुशबू है और स्मेल है वो बहुत अच्छी सी इसके अंदर मिक्स हो जाए और बहुत ज़्यादा मसालों की तेज़ ना आए खुशबू, बहुत अच्छा सा इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है जब हम ये ऑयल डालते हैं चिकन के साथ। चलिए बस अब हम इसको कवर करके रखते हैं और मिलते हैं आपसे 2 घंटे बाद। चलिए देखें, बहुत ही थोड़ा सा मैंने बस ऑयलिंग की है फ्राई पैन के ऊपर, अब हम इसमें चिकन डालेंगे। चलिए पहले हम चिकन रखेंगे, फिर हम बाद में इसकी ग्रेवी डालेंगे। और अगर इस मसाले में आपके पास दही ना हो तो आप दही स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि हर वक्त अवेलेबल नहीं होता है, तो हम 2 या 3 चमचे इसमें सिरके के भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बिल्कुल वही टेस्ट आएगा। चलिए 2 से 3 मिनट बस हम इसको खुश्क सा करेंगे थोड़ा सा, फिर हम इसकी ग्रेवी जो बची हुई है वो भी डाल देंगे ताकि बहुत अच्छी सी हमारी चिकन तैयार हो। चलें थोड़ा सा इसको मिक्स करते हैं और फिर मैं इसमें डाली हूँ ग्रेवी का, हमने बाकी का मसाला बचाया था। चलिए देखें, ये जो डिश थी हमारी मैंने उसमें थोड़ा सा पानी जो है वो ऐड करके और डाल दिया है, बस हम इसको कवर करके पकाएंगे, 10 मिनट में हमारी चिकन रेडी हो जाएगी। देखें इतनी देर में हमारी चिकन तैयार हो रही है और हम ये कोयले को धुआं लगाने के लिए तैयार करेंगे। चलिए देखें, चिकन हो चुकी है हमारी रेडी, बिल्कुल टिक्का माशाल्लाह से कलर देख रहे होंगे आप। और अगर आपको नमक मिर्च अपने हिसाब से रखना है तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, और ये मेरे पास थोड़ी सी शिमला है, बस हम इसमें थोड़ी सी स्प्रिंकल करेंगे क्योंकि ये भी आपको पता है कि बहुत फ़ायदेमंद होती है डाइट में। चलिए देखें, बहुत ज़बरदस्त खुशबू और जायके के लिए हम इसमें लगा रहे हैं कोयले का धुआँ, और जब तक हम धुआं लगा रहे हैं आप लोग भी चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये देखें, बस थोड़ा सा ऑयल से हम इसको कवर कर देंगे, बहुत अच्छी सी खुशबू इसके अंदर होगी और आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने बाज़ार से टिक्का मंगाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें बिल्कुल रेडी हो चुका है और बहुत अच्छी सी खुशबू फ्लेवर आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है जो हमने कोयले का धुआं लगाया है। अब हम इसको निकाल के डिश आउट करते हैं। आप अपनी डाइट को टेस्टफुल बनाइए ये टिक्का बना के और इन्जॉय कीजिए। चलिए मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। चलिए देखें, ये हमारा झटपट सा टिक्का तैयार हो चुका है। आप इसको लीजिए ब्राउन ब्रेड के साथ या ब्राउन आटे की छोटी सी सीटी के बराबर एक चपाती अलाव होती है डाइट वालों को, तो आप उसके साथ इंजॉय कर सकते हैं। और मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसी लगी आपको रेसिपी। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी इसी तरह किसी अच्छी और नई रेसिपी के साथ। अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।